हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शॉर्टकट। हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5, कोल एंड पेट्रोलियम फ्रॉम आवर साइंस बुक ऑफ क्लास 8। सो वी ऑल नो दैट वी यूज़ वेरियस प्रोडक्ट्स। हम बहुत सारी चीज़ों का उपयोग करते हैं हमारे आजू बाजू। देखिए, प्लास्टिक हो गया, मेटल्स हो गए डिफरेंट डिफरेंट तरह के, नॉन मेटल्स हैं बहुत सारे, और इवन पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, CNG, LPG, ऐसी बहुत सारी चीज़ों का हम उपयोग करते हैं। तो ये जो सब चीज़ें हैं, इनको हम दो पार्ट में बांटते हैं। एक है हमारा एग्जॉस्टिबल और दूसरा होता है इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। अब सबसे पहले इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? ऐसे रिसोर्सेज जो हमारे पास काफ़ी लिमिटेड मात्रा में हैं। कैसे हैं ये? हमारे पास बहुत ही लिमिटेड मात्रा में हैं, इनको हम कहते हैं एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, जो लिमिटेड हैं, यानी कि जो ख़त्म हो जाएंगे। और जो बहुत ज़्यादा हमारे पास है, यानी कि जिनके ख़त्म होने की कोई गुंजाइश नहीं है, उनको हम बोलते हैं इनएग्जॉस्टिबल, यानी कि जो एग्जॉस्ट नहीं हो सकते हैं। अब आप बात करें सनलाइट या एयर एट्सेट्रा की, तो एयर हमारे पास ख़त्म हो सकती है? नो, नेवर। सनलाइट ख़त्म हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो ये दोनों प्रोडक्ट्स जो हैं, जैसे इनको हम इंक्लूड कर सकते हैं इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर। दूसरा जो है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, इसमें बाकी सब चीज़ें आती हैं, जैसे कि हमारे आजू बाजू रहने वाली जो भी चीज़ें, हम जो मिनरल्स का यूज़ करते हैं धरती से निकाल कर, फॉरेस्ट और उससे मिलने वाले प्रोडक्ट्स, वाइल्ड लाइफ की बात करें, फिर कोल, पेट्रोलियम, डीजल, ये सब चीज़ें जो हैं जो हमें धरती के नीचे से मिलता है, सब चीज़ें हमारे पास लिमिटेड मात्रा में हैं और ये किसी ना किसी दिन ख़त्म हो सकते हैं। इस कारण से हमारी जिम्मेदारी है कि हम इनको इस तरीके से यूज़ करें कि कमिंग जनरेशन्स के लिए ये पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। तो ये हमारी ड्यूटी में आता है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, और इसलिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हमें इन चीज़ों का उपयोग करते वक्त ध्यान रखना होगा कि हम इनको वेस्ट ना करें। अब ये सब चीज़ें जो हैं, इनको बनने में कोई 1, 2, 3, 4 दिन नहीं लगते हैं, इनको बनाने में बहुत समय लगता है, बहुत ज़्यादा समय लगता है। अब आपको बताया जाए कि जो भी चीज़ें हम बात करें कोल और पेट्रोलियम के बारे में, जैसे ये चैप्टर है हमारा, तो कोल जो है, कोल मतलब कोयला, और पेट्रोलियम मतलब हम क्रूड ऑयल की बात कर रहे हैं। पेट्रोलियम का मतलब पेट्रोल नहीं होता है। पेट्रोलियम मीन्स इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस थिंग्स, जिसमें पेट्रोलियम जो है उससे हमें पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, कैरोसिन मिलता है, और गैस भी मिलती है। तो ये जो है उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हमको मिलती हैं इससे। तो पेट्रोलियम इज़ नॉट अ सिंगल थिंग। अब बात करते हैं हम इनके बनने की। तो जो बात करें आपसे पहले कि जो भी चीज़ें हैं, ये धरती के नीचे जब दब जाती हैं, अब कौन सी चीज़ों की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं वेजिटेशन की। इवन एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं, ये जब किसी न किसी कारण से पृथ्वी के नीचे दब जाते हैं, तब इनसे पैदा होता है पेट्रोलियम और कोल वगैरह। अब आप कहेंगे कि सर ये दब कैसे जाते हैं? तो दबने का इनका जो कारण है वो है बड़े बड़े अर्थक्वेक्स आते हैं, कभी कभी फ्लड आ जाता है इस प्रकार का, यानी कि पृथ्वी में ऐसी उथल पुथल हो जाती है जो हमारे लिए इमेजिनेबल नहीं होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको अगर कहना चाहूँ तो हम लोग जानते हैं कि जहाँ पर आज आप देख रहे हैं ना, हिमालय पर्वत जो है, जिसको हम हमारे देश का मुकुट कहते हैं, भारत का मुकुट कहते हैं, तो हिमालय जो पर्वत है, इतना ऊंचा पर्वत है, एक समय था जब हिमालय पर्वत की जगह पर एक सागर था, एक सी था, जिसको हम कहते हैं टेथिस सी। तो एक समय पहले यहाँ पर टेथिस नामक एक सागर था जो कि वहाँ से हट गया और उसकी जगह पे हिमालय पर्वत खड़े हो गए। अब ये कैसे खड़े हुए होंगे? किसी ने हिमालय पर्वत को उठा के दूसरी जगह से वहाँ तो रखा नहीं होगा। इट इज़ बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ अर्थक्वेक, ऐसा ज़बरदस्त कुछ भूस्खलन हुआ होगा, अर्थक्वेक आया होगा, या कुछ ऐसा हुआ होगा एक्टिविटी, जिस कारण से वहाँ पर सी की जगह पे आज हमें हिमालय माउंटेन रेंज देखने को मिलती है। तो ऐसी घटनाएं जब होती हैं तो बड़ी बड़ी जो वेजिटेशंस रहती हैं जंगल के, जंगल पृथ्वी में दब जाते हैं, और धरती में दबने के बाद इनके ऊपर जो प्रेशर पड़ता है, देखिए धरती के अंदर बहुत ही प्रेशर भी है और उसके अलावा वहाँ टेम्परेचर भी ज़्यादा है, तो हाई टेम्परेचर और प्रेशर के कारण ये और नीचे नीचे दबते जाते हैं, और हाई टेम्परेचर प्रेशर के कारण फिर ये बदल जाते हैं किसमें? कोयले में। आपको पता है कोयला जो है लकड़ी से बनता है, तो ट्रीज़ जो हैं, प्लांट्स जो हैं, उनका वो बदल जाते हैं कोयले के अंदर, कोल के अंदर। कोल जो है वो कार्बन का, कोल मतलब उसके अंदर कार्बन ही होता है, कोयला मतलब कार्बन, तो यानी कि प्लांट जो है वो कार्बन में बदल गए। तो इसी कारण से इस प्रोसेस को कार्बनाइजेशन का नाम भी दिया गया है। द कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। और ये जो चीज़ें धरती के नीचे दबी हुई हैं ना, इनको हम कहते हैं फॉसिल। क्या कहते हैं हम इनको? फॉसिल। इनको हम फॉसिल कहते हैं, इसीलिए इनसे मिलने वाले फ्यूल को हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है,
फॉसिल किसको कहा जाता है, जो भी चीज़ें धरती के नीचे दबी हुई हैं, भले वो डेड एनिमल्स या प्लांट्स हैं उनकी बात करें, तो इनको हम कहते हैं फॉसिल्स, और इनसे जो फ्यूल हमको मिलता है उसको बोलते हैं फॉसिल फ्यूल। तो कोयला जो है उस प्रोसेस को, मतलब प्लांट्स के जो कोयले में बदलने के प्रोसेस को हम कहते हैं कार्बनाइजेशन, बिकॉज कोल इज़ अ फॉर्म ऑफ कार्बन। जब हम कोयले को जलाते हैं तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है। कोयला जो है उससे हमें कोल, कोक, कोल टार और कोल गैस भी मिलती है। अब हम देखते हैं कोक के बारे में। कोक जो है वो एक टफ, पोरस और ब्लैक सब्सटेंस है। ये कार्बन का प्योर फॉर्म है। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है कोक का? कोक का उपयोग किया जाता है स्टील इंडस्ट्री के अंदर और मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। मेटल को एक्सट्रैक्ट करने का मतलब यहाँ पर कि मेटल्स जो आपको धरती के नीचे से मिलते हैं, वो मेटल्स जो होते हैं वो प्योर फॉर्म में नहीं होते, उनके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ भी मिली होती हैं। लेकिन ये इम्प्योरिटीज़ जो हैं इनको प्योरीफाई कर कर प्योर मेटल को ऑब्टेन किया जाता है, तो इसके लिए कोक का उपयोग किया जाता है। दूसरी हम बात करें कोल टार की। कोल टार जो है, क्या आप कभी रोड बनता है कहीं पर तो आप वहाँ से गुजरते हैं तो आपने देखा है आपकी गाड़ी के टायर जो हैं वो एकदम चिपचिपे से पदार्थ से, मतलब चिपचिप करने लगते हैं, और इवन वहाँ पर आपको ब्लैक कलर का जो एक पूरा अलग तरह का सब्सटेंस दिखाई देगा, और उसमें स्मेल भी बड़ी अजीब रहेगी, अनप्लेजेंट रहेगी, तो वही कोल टार होता है एक्चुअल में। तो कोल टार जो है वो ब्लैक कलर का और थिक लिक्विड होता है, जिसकी स्मेल बहुत ही अनप्लेजेंट होती है, जो बहुत ही मतलब ख़राब स्मेल होती है उसकी। और दूसरी बात की जाए इसका उपयोग कहाँ होता है, इसका उपयोग किया जाता है इंडस्ट्रीज़ के अंदर, जैसे कि रोड बनाने के लिए भी किया जाता है। इसके अलावा सिंथेटिक डाइज, ड्रग्स, एक्सप्लोजिव्स, परफ्यूम्स, प्लास्टिक्स, पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल एट्सेट्रा, यहाँ सब जगहों पर इनका उपयोग किया जाता है। कोल टार जो है वो एक प्रोडक्ट नहीं है, कोल टार के अंदर लगभग 200 सब्सटेंसेज होते हैं। कितने सब्सटेंसेज होते हैं? 200 के करीब सब्सटेंसेज होते हैं। इसके अलावा आपको जानकर ये भी हैरानी होगी कि नेप्थलीन बॉल्स जो आप यूज़ करते हैं, नेप्थलीन बॉल्स मतलब जो फिनाइल की गोलियों का हम उपयोग करते हैं सफ़ेद रंग की, जो कि कपड़ों के अंदर रखी जाती हैं इंसेक्ट्स से कपड़ों को बचाने के लिए, वो भी कोल टार से ही बनता है। लेकिन आजकल जो है कोल टार जो है उसकी जगह पर बिटुमन का उपयोग किया जाता है रोड्स को पक्का करने के लिए। हम एक टॉपिक बीच में छोड़ गए मेरे ख्याल से, कोल वाला। तो कोल क्या है? यू हैव सीन कोल एंड हर्ड अबाउट इट, इट इज़ एज हार्ड एज स्टोन एंड इज़ ब्लैक इन कलर। कोल जो है वो बहुत हार्ड होता है और ब्लैक कलर का होता है। कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल्स यूज टू कुक फूड। कोल से खाना भी बनाया जाता था पहले समय में, और रेलवे में इसका यूज़ किया जाता है स्टीम इंजन्स के लिए, स्टीम इंजन्स को चलाने के लिए। इवन थर्मल पावर प्लांट्स के अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए। तो कोल का उपयोग अलग अलग जगहों पर किया जाता है। आगे हम बात करेंगे कोल गैस की। कोल गैस जो है वो कोयले से जब कोक बनाने का जो प्रोसेस होता है उस समय जो गैस हमको मिलती है वो होती है कोल गैस। कोल गैस का उपयोग लंदन में 1810 में स्ट्रीट लाइटनिंग के तौर पे किया गया था, और न्यूयॉर्क में इसका उपयोग 1820 में किया गया था स्ट्रीट लाइटनिंग के लिए। लेकिन उसके बाद इसका उपयोग लाइट से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। अब हम बात करते हैं पेट्रोलियम की। पेट्रोलियम जो है उससे मिलने वाली चीज़ें जो है पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन वगैरह है, ये सब हमें पेट्रोलियम से मिलती हैं, और इनका उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं ये बताने की ज़रूरत आपको नहीं है। पेट्रोलियम वर्ड जो है उसमें से पेट्रा, पेट्रा मतलब होता है रॉक, और ओलियम मतलब होता है ऑयल, यानी कि ऐसा ऑयल जो कि रॉक से बनाया जाता है, रॉक से हमको मिलता है, उसको हम कहते हैं पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी। पेट्रोलियम कैसे बनता है? अब सी के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनसे बनता है। एज दीज ऑर्गेनिजम्स डाई दे बॉडी सेटल एट द बॉटम ऑफ द सी एंड गेट कवर्ड विद द लेयर ऑफ सैंड एंड क्ले। और मिलियंस ऑफ ईयर्स एब्सेंस ऑफ एयर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर ट्रांसफॉर्म द डेड ऑर्गेनिजम्स इन टू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इट शोज द डिपोजिट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। यू कैन सी द लेयर कंटेनिंग पेट्रोलियम ऑयल एंड गैस इज अबव दैट ऑफ वाटर। वॉट इज, वाई इज इट सो? रिकॉल दैट ऑयल एंड गैस आर लाइटर देन वाटर एंड डोंट मिक्स विद इट। अब पेट्रोलियम होता क्या, देखिए जो सी बेड है, सी बेड के अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पर सी बेड है ये, तो
यहाँ पर क्या होता है, इसके अंदर जैसे कि ये आप देखिए, ये देखिए गैस है, ये ऑयल है, ये वाटर है। तो जो डेड एनिमल्स जो रहते हैं सी के अंदर, जो एनिमल्स रहते हैं, जब वो मर जाते हैं तो उनकी बॉडीज जो है वो नीचे जाकर जम जाती हैं, नीचे आ गई, उसके ऊपर मिट्टी 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 जमती रहती है। तो इस तरीके से हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर और एयर की तो वहाँ पर कोई गुंजाइश ही नहीं है, इस कारण से वो बदल जाते हैं पेट्रोलियम में। अब पेट्रोलियम जो है उसमें आप देख सकते हैं पेट्रोलियम भी बनता है, यहाँ पर गैस भी होती है। तो यहाँ पर फिर हम लोग क्या करते हैं, वेल्स, कुएं बनाए जाते हैं। कुओं के द्वारा क्या किया जाता है, कुओं के द्वारा इस गैस को और इस ऑयल को बाहर निकाला जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए ये कुआं जो है ये गैस तक जा रहा है, तो इसके द्वारा हम गैस को बाहर ले सकते हैं। और दूसरा जो आप देख रहे हैं ये ऑयल तक पहुँचा हुआ है, इससे हम ऑयल बाहर ले सकते हैं। द फर्स्ट वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल वेल वॉज ड्रिल्ड इन पेंसिल्वेनिया। सबसे पहला जो ऑयल वेल जो बनाया गया था वो पेंसिल्वेनिया में बनाया गया था, यूएसए में। कब बनाया गया था, 1859 में। उसके 8 साल बाद 1867 में ऑयल वॉज स्ट्रक एट माकुम इन आसाम इन इंडिया। ऑयल इज़ फाउंड इन आसाम, गुजरात, मुंबई हाई एंड इन द रिवर बेसिन्स ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा। तो इन जगहों पर भारत में भी ऑयल पाया गया है। आगे हम पढ़ेंगे रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम के बारे में। पेट्रोलियम जो है एक डार्क ऑयली लिक्विड है, यानी कि डार्क ऑयली लिक्विड है। इट हैज़ एन अनप्लेजेंट ऑर्डर, इसकी जो ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब होता है इसकी स्मेल, इसकी स्मेल बहुत ही ख़राब रहती है, अच्छी नहीं है बिल्कुल भी। इसके अंदर बहुत सारे दूसरे पार्ट्स होते हैं। पेट्रोलियम डजेंट मीन, मैंने जैसे पहले कहा कि पेट्रोलियम का मतलब पेट्रोल नहीं है। पेट्रोलियम के अंदर क्या क्या होता है, पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स एट्सेट्रा, ये सब चीज़ें इसके अंदर होती हैं। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स और फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग। पेट्रोलियम से उसके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको अलग करने के जो प्रोसेस होता है इसको रिफाइनिंग कहते हैं। और इसको करने करने के लिए जो जगह होती है उसको हम बोलते हैं पेट्रोलियम रिफाइनरी। आपने सुना होगा ये वर्ड, अलग अलग जगहों पर पेट्रोलियम रिफाइनरीज हैं जहाँ पर इनको रिफाइन किया जाता है। वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम आर एंड देर यूजेज आर गिवन इन टेबल 5.1। तो 5.1 जो टेबल आप देख रहे हैं वहाँ पर काफ़ी सारे जो इनके प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में बताया गया है और उनके यूजेस के बारे में भी बताया गया है। पेट्रोलियम जो है उसका उपयोग बहुत ज़्यादा जगहों पर किया जाता है, जो कि आप यहाँ पर इस पैराग्राफ में देख सकते हैं। इसी कारण से इसको ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। अब इससे मिलने वाले प्रोडक्ट्स में सबसे पहले है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स। इसको पाइप्स के द्वारा ट्रांसपोर्ट करना काफ़ी आसान रहता है। नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये जो गैस है नेचुरल गैस, इसको हाई प्रेशर के अंदर, यानी कि प्रेशर के अंडर, हाई प्रेशर, इसको कंप्रेस नेचुरल गैस के रूप में भी रखा जाता है, स्टोर किया जाता है, जिसको हम सीएनजी कहते हैं। तो सीएनजी इज़ अ नेचुरल गैस ओनली, बस वो कंप्रेस्ड है। सीएनजी इज़ यूज फॉर पावर जनरेशन, इसका यूज़ पावर जनरेशन के लिए भी किया जाता है। इट इज़ नाउ बींग यूज एज अ फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स बिकॉज इट इज़ लेस पोल्यूटिंग, इट इज़ अ क्लीनर फ्यूल। आजकल इसका उपयोग गाड़ियों में भी किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। आप जानते हैं ना गाड़ियों के अंदर सीएनजी गाड़ियाँ भी आने लगी है आजकल। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस टेबल में कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं और उसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ सीएनजी इज दैट इट कैन बी डायरेक्टली यूज फॉर बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज वेयर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप्स। इसका उपयोग पाइप्स के द्वारा सप्लाई किया जाता है, बड़े बड़े शहरों के अंदर तो इनको सप्लाई किया जाता है। जैसे घरों में पाइपलाइन होती है ना पानी की, वैसे ही इस घर पर जो गैस की पाइपलाइन भी फिक्स की जाती है और उसके द्वारा आप इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। ऐसे पाइपलाइन का नेटवर्क जो है भारत के अंदर वडोदरा गुजरात के अंदर है और कुछ पार्ट्स हैं दिल्ली के और कुछ अदर प्लेसेस के अंदर है, यानी कि पूरे भारत के अंदर भी ऐसा नहीं पॉसिबल हो पाया है। नेचुरल गैस इज़ ऑल्सो यूज एज अ स्टार्टिंग मटीरियल फॉर द मैनुफैक्चर ऑफ अ नंबर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। इसका उपयोग केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स को बनाने के लिए भी किया जाता है। इंडिया हैज़ वास्ट रिजर्व ऑफ नेचुरल गैस, भारत के पास बहुत सारी नेचुरल गैस है। त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कृष्णा गोदावरी डेल्टा, तो काफ़ी सारा हमारे पास ये चीज़ें अवेलेबल हैं। सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। अब ये तो थी पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोल की बात की हमने। नाउ बहुत सारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास काफ़ी कम मात्रा में, इनमें हम बात करते हैं एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज की, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स हो गए, फॉरेस्ट, मिनरल्स एट्सेट्रा, ये सब चीज़ें हैं हमारे पास काफ़ी कम मात्रा में। यू नो दैट कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल्स, इट इज़ रिक्वायर्ड द डेड ऑर्गेनिजम्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू गेट कन्वर्टेड इन टू दीज फ्यूल्स।
अब इनको एग्जॉस्टिबल इसलिए कहा गया है क्योंकि मिलियंस ऑफ ईयर्स यानी कि लाखों के हिसाब से साल लगते हैं इनको कन्वर्ट होने में, तो ये एक दो दिन का प्रोसेस नहीं है। ऑन द अदर हैंड द नोन रिजर्व्स ऑफ दीज विल लास्ट ओनली अ फ्यू हंड्रेड ईयर्स, यानी कि जितना हमारे पास है वो सिर्फ कुछ साल चलेगा, कुछ सैकड़ों साल, समझो कि 800 साल चला लेकिन उसको बनाने में तो हजारों लाखों साल लग जाएंगे। मोर ओवर बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल्स इज़ अ मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन, और इससे जो खामी एक और इसकी ये है कि इससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। देयर यूज़ इज़ ऑल्सो लिंक्ड टू ग्लोबल वार्मिंग, इससे ग्लोबल वार्मिंग भी होती है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम इनकी ज़रूरत पड़ने पे ही इनका उपयोग करें, यानी कि वेस्टेज इसका बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दिस विल रिजल्ट इन बेटर एनवायरनमेंट, इससे हमारा एनवायरनमेंट साफ़ रहेगा। जैसे कि प्रेजेंट टाइम में बात की जाए तो दिल्ली में आप देख रहे हैं फिर से पॉल्यूशन लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। स्मॉलर रिस्क एट द ग्लोबल वार्मिंग एंड देयर अवेलेबिलिटी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, इससे ग्लोबल वार्मिंग पे खतरा कम हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग का, और ये फ्यूल जो है ये ज़्यादा समय तक हम यूज़ कर पाएंगे। इंडिया में पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन जो है उसने एडवाइस किया है लोगों को, कुछ ड्राइविंग टिप्स भी दी हैं, जैसे कि ड्राइव एट अ कॉन्स्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल, यानी कि आपकी जो गाड़ी चलाने की स्पीड होती है वो एक सिमिलर होनी चाहिए, अगर आप 60 पे जा रहे हो तो वही होनी चाहिए, बार बार कम ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, एक ही स्पीड पे गाड़ी चलानी चाहिए। जब आप रेड लाइट पे हो यानी कि आप ट्रैफिक सिग्नल पे हो और आपको पता है कि आगे रोकी गई है गाड़ी, अभी रेड सिग्नल है वहाँ पे, तो गाड़ी को वहाँ पर बंद ज़रूर कीजिए, यानी कि कुछ लोग वहीं वेट करते हैं चालू करके, तो वो वैसा नहीं करना चाहिए, हमें बंद कर देनी चाहिए गाड़ी। एंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर, गाड़ी के टायर के अंदर हवा सही होनी चाहिए, इससे भी पेट्रोल कम खाती है गाड़ी। एंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल, गाड़ी का रेगुलर मेंटेनेंस भी होना चाहिए, यानी कि उसकी सर्विसिंग जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। तो ये था हमारा चैप्टर, अभी हम इसके एक्सरसाइज देख लेते हैं थोड़ा सा। इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स की बात की जाए तो वो भी हम इसी एक्सरसाइज में साथ में अभी कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सीएनजी एंड एलपीजी फ्यूल्स। तो इसकी एडवांटेजेस की बात की जाए तो आप बहुत आसानी से इसको देख सकते हैं कि ये नॉन पोल्यूटिंग फ्यूल्स हैं, दूसरा स्टोर और ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी इजी हैं, सीएनजी पावर जनरेशन के लिए भी यूज़ होती है, और मोर एनर्जी पर यूनिट वाली, यानी कि बहुत ज़्यादा ये माइलेज, आप देखते हैं ना सीएनजी वगैरह पे जो गाड़ियाँ चलती हैं वो माइलेज ज़्यादा देती हैं। एलपीजी को तो डायरेक्टली घरों में भी और फैक्ट्रीज में भी यूज़ किया जा सकता है, इसके अलावा इनको ईजिली अवेलेबल हैं और अफोर्डेबल कॉस्ट है कंपेरेटिवली पेट्रोल डीजल के, काफ़ी सस्ती हैं। एलपीजी और सीएनजी की बात करें इनका कोई ऐश पार्टिकल्स नहीं बचता है, यानी कि इनके जलने के बाद इनके पीछे कुछ भी बचता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज फॉर सर्फेसिंग ऑफ रोड, रोड बनाने में बिटुमन का यूज़ किया जाता है, और दूसरा हम जानते हैं कोल टार का उपयोग किया जाता है। डिस्क्राइब हाउ कोल इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम डेड वेजिटेशन, व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड, इस प्रोसेस को हम कार्बनाइजेशन कहते हैं, और ये बनता कैसे है, जो डेड प्लांट्स हैं फॉरेस्ट वगैरह जब वो अर्थ के नीचे बरी हो जाते हैं तो प्रेशर के कारण हाई टेम्परेचर के कारण ये जो है ये कार्बन में बदल जाते हैं, इस प्रोसेस को कार्बनाइजेशन कहा जाता है। फिल इन द ब्लैंक्स की बात की जाए, फॉसिल फ्यूल्स आर नेचुरल गैस कोल एंड पेट्रोलियम, प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रॉम पेट्रोलियम इज कॉल्ड रिफाइनिंग, लीस्ट पोल्यूटिंग फ्यूल इज सीएनजी। ट्रू एंड फॉल्स की बात करें तो फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू एंड लास्ट वन इज अगेन फॉल्स। एक्सप्लेन व्हाई फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, फॉसिल फ्यूल्स को एग्जॉस्टिबल क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनको बनाने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं बाय एक्शन ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, तो मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे तो ऑब्वियसली इनको हम एग्जॉस्टिबल ही कहेंगे, क्योंकि अगर ये ख़त्म हो गए तो इनको बनने में तो बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है, तो तब तक हम क्या करेंगे, तो इसीलिए इनको एग्जॉस्टिबल कहा गया है। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंड यूजेज ऑफ कोक, कोक कैसा है, पोरस ब्लैक एंड टफ। अब इसके यूज़ की बात की जाए, इट इज़ अ प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, कैरेक्टरिस्टिक है इसका, इसका उपयोग कहाँ होता है, घरों में डोमेस्टिक भी और इंडस्ट्रीज में भी यूज़ किया जाता है फ्यूल्स के तौर पे। फिर इससे स्टील बनता है, ये बहुत ही कम स्मोक देता है या फिर बहुत नहीं देता है स्मोक, स्मोक मतलब धुआं नहीं होता है इससे, इससे मेटल्स का एक्सट्रैक्शन करने में भी उपयोग में लिया जाता है। इट कैन बी यूज टू मेक फ्यूल गैसेस, फ्यूल गैसेस बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम द ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी, जैसे जैसे ये ऑर्गेनिज्म जो सी के अंदर है ये मर जाते हैं तो इनकी बॉडीज नीचे सेटल हो जाती हैं बॉटम पे सी के, उसके बाद इनके ऊपर सैंड और क्ले की परत जमती रहती है,
यहाँ पर एयर तो होती नहीं है, हाई प्रेशर होता है और हाई टेम्परेचर होने के कारण मिलियंस ऑफ ईयर के बाद ये डेड ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में बदल जाते हैं। द फॉलोइंग टेबल शोज द टोटल पावर शॉर्टेज ऑफ इंडिया फ्रॉम 1991 टू 1997। अब इसको ग्राफ पे बताना है तो ग्राफ आप इस प्रकार से इसको बना सकते हैं, टोटल पावर शॉर्टेज ऑफ इंडिया, तो ये ग्राफ आपका बन सकता है इस तरीके से। देखिए यहाँ ईयर आ जाएगा और इस तरफ आप पावर लिख सकते हैं, टोटल पावर शॉर्टेज इन इंडिया। तो इस तरीके से मैप ये ग्राफ जो आपका है बन जाएगा। तो ये था हमारा चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम। होप यू एंजॉयड द वीडियो। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।